वेस्ट योर फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज टू विन। ठीक है यार, तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल एडवाइस इस वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूं, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट यार ये मेरे पर्सनल व्यूज है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है, तो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो लोग इसके साथ अलाइन होते हैं, तुम्हें अपनी समझ से सही लगता है, तो तुम इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो जो एडवाइस मैंने इस वीडियो में दी है। बट अगेन मैं बोलूंगा कि वार्निंग वगैरह मैंने सब दे दी है, तो अपना दिमाग लगा के करना। बट अब चलते हैं हम वार्निंग वगैरह हटा के वीडियो की तरफ। यार देखो, वेस्ट योर फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज से मेरा मतलब है कि यार दो टाइप के बच्चे होते हैं। कौन से दो टाइप के बच्चे होते हैं? एक वो बच्चे होंगे यार जिन्होंने जेई में मोस्ट प्रोबेबली अच्छा कर रखा होगा, राइट, और जेई करके वो बढ़िया कॉलेज में जा रहे होंगे, बढ़िया कॉलेज में पहुंचे, बढ़िया कॉलेज में अब आसपास देख रहे हैं, सीनियर से सुना है, आजकल यार पूरे कोडिंग कोर्सेज के एक माफिया बन चुकी है, एक है ना, जिन्होंने सबने ये प्रमोट कर रखा है यार, यू नो मैटर व्हाट ब्रांच यू आर इन, तुम्हें कोड करना है, तुम्हें अपने टॉप कंपनी मतलब लीड कोड पे कोड करते रहना है, तुम्हें डीएसए सीखना है, वेब डेवलपमेंट सीखना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, टॉप कंपनी अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट गूगल क्रैक करनी है, एंड यू आर सेट। कुछ टाइम पहले आज से अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट बनने वाले हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, तो 1-2 साल पहले या 2-3 महीने पहले, डिपेंडिंग अपॉन कितनी एज है तुम्हारी, तुमने सुना होगा यार कि क्या करना है तुम्हें, तुम्हें जेई फोड़ना है, क्लास 12 बोर्ड फोड़ना है, इन दोनों के बेसिस पे तुम्हें बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, तो तुम्हारी लाइफ सेट है। तो कब तक यार लाइफ सेट होती रहेगी, मेरे को ये बात समझ नहीं आती। ठीक है, तो बहुत रैट रेस सी बन चुकी है, चाहे तुम जेई को देखो, अब ये नया रैट रेस आ गई है, ये कोडिंग वाली कोई नई नहीं है वैसे, पिछले 2 साल से बन चुकी है, और आज से यार 4-5 साल पहले इतनी चीजें नहीं थी ऐसे कि मतलब सब, जिसको देखो यार अभी तो फर्स्ट ईयर में बच्चे आ रहे हैं भाई कोडिंग डीएसए वगैरह कर चुके हैं पहले से, मतलब इतना वो बना रखा है पूरे उसमें यार, जितने भी यंगस्टर्स हैं अगर वो सब कोड करेंगे तो बाकी लोग कहाँ रहेंगे। ठीक है, तो बड़ी पर्सनल चीज है, बट इसको यार थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना, क्योंकि सबके सर्कमस्टेंसेस अलग है, बट मैं ये बोलूंगा यू नेवर नो, क्या पता तुम्हारा कोडिंग में इंटरेस्ट बने। ठीक है, आई एम समवन जिसका कोडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं अब ऐसे नहीं बोल रहा कि तुम्हें भी छोड़ देना है, क्योंकि क्या पता मैं भी मतलब प्लेसमेंट वगैरह लू, कंपनी होने या बैठू, आई डोंट नो, राइट, बट है मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कोडिंग। बट यार जिन लोग का नहीं है, वो भी आके यार कोडिंग वोडिंग 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 के नाम पे भाई उनको फिर से लगता है यार कहाँ फंस गया मैं, अभी जेई से उठा था, अब यहाँ आगे छोड़ गया। तो वेस्ट योर फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज से मेरा मतलब है फिगर आउट कि क्या तुम्हें ये चीज करनी भी है, और अगर मैं अपना पर्सनल तुम्हें बताऊं तो तुम मेरे फ्रेंड्स वगैरह से पूछ सकते हो, ये चीज टेस्टमेंट कर सकते हो कि मैंने यार फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में कुछ भी कोड नहीं किया, राइट, एक भी कोडिंग मतलब मैंने नहीं करी, थोड़ी बहुत मतलब सी प्लस प्लस होती है, बेसिक बेसिक थोड़ा एक सब्जेक्ट आया था हमारे कॉलेज में उसमें पढ़ लिया, उसके अलावा कुछ, राइट, और मेरा ये था यार कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना है, मुझे क्या चीजें पसंद है, कैसी चीजें फिगर आउट, कैसी चीजें वर्क कर रही है रियल लाइफ में, क्योंकि यार तुम तो वो बच्चे नहीं बनना चाहते जिसके पास कोई एक्सपोजर ही नहीं था, और वो जो सोसाइटी उससे मांगती गई वो करता गया, सोचो ना क्या लाइफ है ये, मतलब तुम्हें पहले बोला भाई कि तुम उठ जाओ, मतलब क्लास 10 बोर्ड दो, क्लास 10 बोर्ड दिया, बढ़िया दिया, तुम्हें बोला भाई क्लास 12 बोर्ड दो, लेकिन क्लास 12 बोर्ड के साथ साथ तुम्हें जेई के लिए प्रिपेयर करना है, उसके लिए कोचिंग ज्वाइन करो, 6-6 घंटे डेली तुम्हारी कोचिंग होगी, कोचिंग के बाद तुम्हें उसके असाइनमेंट करने होंगे, असाइनमेंट के बाद तुम्हें भाई मॉक टेस्ट देने हर संडे, हर संडे मॉक टेस्ट देने के बाद तुम फाइनली किसी कॉलेज पहुंचोगे, एग्जाम एग्जाम देके कॉलेज पहुंच के अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें 9 to 5 अपनी कॉलेज अटेंड करनी है क्लासेस, उसके बाद तुम्हें कोडिंग करनी है 4 घंटे, उसके बाद जाके थोड़ी मस्ती मस्ती मार लो अपने दोस्तों के साथ, और फिर तुम यार फिर से सुबह से वही वाला काम स्टार्ट, क्या लाइफ है ये, है ना। मैं नहीं चाहता ये लाइफ ज्यादा कंटिन्यू हो मेजोरिटी ऑफ बच्चों के लिए, तो यार हमें फिगर आउट करना है कि हमें क्या पसंद है, दैट इज द मोटिव ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करनी है। अब यार एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है ना, लोगों को समझ नहीं आ रहा भाई एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है। अब यार कई सारे तुम लोग कमेंट करते हो हाउ टू अर्न इन कॉलेज वाली वीडियोस बनाओ भैया, मैं बनाऊंगा बहुत जल्दी, इस चैनल पे आ रही होंगी तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। पर यार अगर तुम्हें कोई चीज लग रही है इस फील्ड में कि यार मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में मैंने सुना है बहुत स्कोप है यार, संदीप महेश्वरी जी ने बोला था, एक वीडियो बोला था, तो मैंने इसके ऊपर नाम ले लिया, तो उसे ट्राई करो ना, ट्राई करो डिजिटल मार्केटिंग। कैसे ट्राई करोगे? फेसबुक एड्स रन करो, फेसबुक एड्स रन करने के नहीं आते सीखो, तो वही है मतलब डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स लो, एक यूडमी पे जाओ, एक कोर्स ले लो 500-600 रुपए का यार,
मतलब कौन सी बड़ी बात होगी, सोचो कितने अच्छे प्रोफेसर से तुम्हें सीखने को मिल रहा है, कितने अच्छे लोगों से जिन्होंने बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफर से सीखने को मिल रहा है। तो जाओ जाके लो ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, सीखो उस इंडस्ट्री के बारे में, थोड़ा सीखो कि मतलब चीजें वर्क कैसे कर रही है। ज्यादा है तो भाई मतलब कुछ उठाओ ये पोस्टर, ठीक है, ये पोस्टर उठाओ और बेचना स्टार्ट करो, राइट। अब मतलब इन द सेंस की डिजिटल मार्केटिंग करो, इसकी फोटो वगैरह लो बढ़िया से, फेसबुक एड्स चलाओ, राइट, टारगेट करो। मैं तुम्हें एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि क्या क्या करने को है इस दुनिया में, राइट, बहुत 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 चीजें करने को, सब चीजें ट्राई आउट करो यार फर्स्ट ईयर। तो डिजिटल मार्केटिंग ट्राई आउट करनी है तुम्हें, कंटेंट क्रिएशन ट्राई आउट करना है, ऐसे वीडियोस वगैरह बनानी है तुम्हें यार, हो सकता है कोडिंग ट्राई आउट करनी है, तो कोडिंग ट्राई आउट करो उसको 1 महीना 2, देखो तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है मतलब अच्छी लग रही है नहीं लग रही। उसके बाद तुम ट्राई आउट करो डिफरेंट चीजें, सोसाइटीज क्लब्स वगैरह ज्वाइन करो अगर तुम्हें करना है तो, इसके ऊपर लेके एक पूरी अलग एडवाइस हो सकती है करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। बट अगर तुम श्योर नहीं हो तो जरूर करो और फिगर आउट करो तुम्हें क्या पसंद है, राइट। जब तक तुम्हें पता ही नहीं होगा तुम्हें क्या पसंद है यार, सोचो बहुत बड़ा करियर होने वाला है तुम्हारा, 30 साल 50 साल, 30 से 50 साल का मतलब करियर होने वाला है, तो मतलब रिटायरमेंट भी क्यों नहीं, काम करेंगे बिल्कुल जब तक बन जाएगा, राइट। तो इतना बड़ा करियर होने वाला है, तुम सिर्फ मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड होके क्यों डिसीजन, अपने लिए फिगर आउट करो 1 साल 2। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ टाइम पास करना है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ हसल 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 करना है, दोनों का बैलेंस लेके चलो यार। तुम अभी 12th से उठे हो, तुमने दुनिया ज्यादा नहीं देखी है, जाओ लोगों के साथ थोड़ा घूमो, थोड़ा ट्रैवल करो, उससे तुम्हें थोड़ा पर्सपेक्टिव लगेगा। आई नो ट्रैवल वगैरह बहुत ज्यादा मतलब बड़ी बड़ी बातें लगती है कि भाई इससे कुछ होता नहीं है, वो तो एक्चुअली होता है, अगर तुम ढंग तरीके से ट्रैवल करो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई वुड से डेफिनेटली यार, देखो ट्रैवल तो इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारे पास कितने पैसे, ट्रैवल कर सकते हो, राइट। कि क्योंकि यार वही है कि मतलब स्टूडेंट लाइफ है, तुम जितने सस्ते में चाहो उतने सस्ते में ट्रैवल कर सकते हो, तुम जितने महंगे में चाहो उतने महंगे में भी ट्रैवल कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करो, मैं बस ये बोलना चाहूंगा, अपने आप को एक लेन में रिस्ट्रिक्ट मत करो, राइट। अपने आप को थोड़ा फ्री फ्री फ्लो छोड़ो, ये भी ट्राई करना है, 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 ऐसी 8-10 चीजें हैं। और हाँ, इन सब में मैं ये नहीं कह रहा अपनी CGPA एकदम हटा दो, CGPA पे ध्यान दे देना, वो यार 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले कॉल सब करके हो जाता है, राइट। तो आई वुड से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करो, वेस्ट करो अपना फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज दूसरों की नजरों में। 2 2 महीने में मैं बोलूंगा अपने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज को डिवाइड कर दो, इस 2 महीने मेरे को ये एक्सप्लोर करना है, इन 2 महीने में मेरे को ये एक्सप्लोर करना है, इन 2 महीनों में मेरे को ये एक्सप्लोर करना है, मुझे ये सारे एक्सपीरियंसेस लेने हैं, 6 7 एक्सपीरियंसेस लिखो, ये करना है ये करना है ये करना है, तुम्हें इतना सीखने को मिलेगा जो शायद ही तुम्हें यार मतलब अगर तुम एक लेन में रिस्ट्रिक्ट होगे, कोडिंग 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 करोगे और फिर 30 साल में बैठोगे, मिड लाइफ क्राइसिस हो रही होगी भाई कि अब मतलब क्या किया मैंने जीवन के साथ, तो ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तुम जो भी चूज करो अपनी मर्जी, अपनी विल, एक प्लान उसके साथ चूज करो, पूछो खुद से, जानो खुद को, जानो कि एग्जैक्टली तुम्हें चाहिए क्या, राइट। बहुत बड़ा रैंट हो रहा है ना, बट फिर भी यार मुझे लगता है ये रैंट बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आजकल पूरा माहौल बन चुका है कोडिंग कोडिंग कोडिंग, तो उसको थोड़ा सा ब्रेक होने की जरूरत है। आई नो कोडिंग बहुत अच्छी फील्ड है और हमें जरूरत भी है हाई क्वालिटी इंजीनियर्स की जो कोड करे, बट यार हाई क्वालिटी दैट इज द कीवर्ड, और सब नहीं हो सकते हाई क्वालिटी, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं हो उसमें तो एकदम ही नहीं हो सकते, राइट। थोड़ी इंक्लिनेशन होनी चाहिए उस साइड, तो हमें हर टाइप के इंजीनियर्स चाहिए। तुम इंजीनियरिंग फील्ड में चीजें फिगर आउट करो, जरूरी नहीं है तुम्हें मॉडर्न मतलब ये जो मनी मेकिंग मेथड्स हैं नहीं ट्राई करना है, तुम कोर साइड ट्राई करो, तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिली है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिली है, फिगर आउट करो तुम्हारी फील्ड में क्या होता है, बात करो किसी सीनियर से, बात करो उन लोगों से जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो उनसे तुम्हें बहुत भयंकर बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया इंसाइट्स मिलेंगे। मैं एक हैक बताऊं तो तुम यार पॉडकास्ट चालू कर दो और लोगों को इन्वाइट करना चालू कर दो, राइट, जो बड़ी बड़ी कंपनीज, इससे क्या है तुम्हें बहुत सारे इंसाइट्स मिल जाएंगे। पॉडकास्ट में आने के लिए जनरली तुम मना ही लोगे किसी को, लिंक्डइन पे मैसेज करना, मेल पर करना, उनसे मिलना है, मेल करो, मैं लिंक्डइन पे मैसेज करो, पॉडकास्ट पे बुलाओ, सारी इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें उनसे चाहिए वो ले लो और अपना तो डाल लो यूट्यूब पे अगर, राइट। तो ये आई गेस तुम्हारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि तुम अपने मंथ्स को डिवाइड करो, अलग अलग काम जो तुम्हें इंटरेस्टेड लगे, इंटरेस्ट बन रहा है उसको सीखो, बेसिक सीखो, अपने गेटअप का बेसिक सीखो, पर्सनल फाइनेंस का बेसिक सीखो, फिटनेस का बेसिक सीखो, सबके बेसिक सीखो जो मैं खुद सीखा हूँ, राइट। मैं तो मैं नहीं बोल रहा मैं कोई बाबा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तुम्हारे तुमसे 2 साल बड़ा हूँ, मैं खुद चीजें फिगर आउट कर रहा हूँ एज आई गो। तो ये मेरा एक पर्सनल मैसेज है बहुत ज्यादा तुम्हें, तो इस पूरी चीज को टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, टॉक टू योर पेरेंट्स और टॉक टू योर मेंटर्स,
मतलब इंटरेस्ट थोड़ा बड़ा सब लगता है, बट वही कि भैया भैया जिसमें तुम्हें ट्रस्ट है उनसे बात करो और फिर मतलब देखो कि तुम्हें क्या करना है, अपना थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, जो तुम्हें सोच रहे हो उससे ज्यादा समझदार हो, राइट? तो बैठो अपने साथ 60 मिनट्स खुद के साथ बैठ के देखो, एक पेन पेपर के साथ, फिर देखो क्या होता है, तुम्हें खुद आंसर मिल जाएगा कई चीजों का। सो दैट्स इट, बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया मैंने इस वीडियो में, बट आई होप तुम्हें ये एक पॉजिटिव चेंज लाएगा तुम्हारी लाइफ में। ऐसी ही यार वीडियोस ले, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी ऐसे लोगों की हो जो एक्चुअली में यार इन सब चीज को, अलग अलग चीज को ट्राई आउट करे और अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन, अपना करियर चूज करे। बिकॉज मैरिज के बाद सबसे बड़ा डिसीजन यही होने वाला है, मैरिज की डिसीजन अभी क्या लेनी इसकी ले लेते हैं, ठीक है? तो चलो मिलेंगे किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट, बाय।